शार्प है। अच्छा, तो हम इनको थोड़ा सा गोलाई में देंगे आप? नहीं, थोड़े से लिप हम इनकी बढ़ा सकते हैं, गोलाई नहीं देंगे, वही देंगे जिस तरीके से। अच्छा, थोड़ा लिप बढ़ाने से आपके मुंह पे एक सॉफ्टर लुक आती है क्या? अगर आप लाइटर कलर लगा रहे हैं, अगर आप लाइटर कलर लगा एंड अगर आप उसको कैरी कर सकते, इट्स ऑल अबाउट हाउ कैन यू आप कैरी कैसे करते हैं। हां, ओके, ये लिपस्टिक लगाने की टेक्निक तो फुल। अब उसके बाद अच्छे खासे बढ़ाए हैं, इसे बकार्ड हैं जी। और अगर आप कोई पूछे लिपस्टिक नहीं आती तो फिर इसका मतलब है वो अच्छा स्टूडेंट नहीं है। हाँ हाँ, और इस लिप कलर अगर आप लिप्स की प्रैक्टिस करते हैं, हाँ, अगर कभी आप ईमान से मिले तो ईमान को अगर आप लिप कलर दें और वो बगैर शीशे के वो परफेक्ट लिप बनाती हैं। अच्छा, जब मैंने ईमान का फर्स्ट टाइम, मैंने ईमान के जब मैगजीन आते थे, हाँ, तो हम ईमान के लिप्स जो हैं वो पेन से उसके ऊपर बना रहे होते थे, उस तरह सीख रहे होते थे। हाँ, तो जब ईमान से मैंने फर्स्ट टाइम मेकअप किया तो उनका लाइन में लिपस्टिक लगा लूँ, मैंने कहा देखिए आप एक दफ़ा मुझे मौका दे दें, हाँ, अगर मैं सही ना लगाऊँ तो फिर आप लगा लीजिएगा। हाँ, तो वो बहुत अच्छी हैं, उन्होंने कहा चलो तुम लगाओ। हाँ, और जब मैंने उनकी लिप बनाए तो उनको बहुत पसंद आए, क्योंकि आप उन्हीं की तो बना बना के प्रैक्टिस करते थे। तो आप, मैंने बताया उनको, मैंने कहा मैं आपके लिप्स नहीं, मैं बहुत यूज्ड टू, मैंने वैसे नहीं बनाए लेकिन मैंने मैगजीन में बहुत बनाए आपके लिप्स। अच्छा जी, इसके हमने लिप वैसे ही कर दिए। हाँ, और हमने, अब देखिए हमने कलर वही लगाया था ब्राउन। हाँ, ठीक है। अब हमने क्या किया कि हमारे पास नॉर्मल फाउंडेशन होती है ना। अच्छा, नॉर्मल फाउंडेशन हमने ली, अब हमें लिप बड़े करने हैं। हाँ, हमने यहाँ पर इसके लिप बड़ा करने के लिए आपने लाइटर शेड अंदर दिया लिप्स के और बीच में दिया, और बीच में दिया, तो उससे आपका लिप थोड़ा पाउटी पाउटी लगता है, पाउटी लगता है। ओ, ये टेक्निक है, देखें। नॉर्मल फाउंडेशन, जो भी फाउंडेशन, मैं भी लिपस्टिक ऐसी लगाती हूँ, मैं अंदर लाइट कलर लगा के कॉर्नर्स पे डार्क देती हूँ तो मेरे मोटे मोटे होंठ लगने लगते हैं वो। एग्जैक्टली, ये किया आपने, और जो कॉर्नर का डार्कर एरिया था उसको आप अंदर, ओ, अभी कितने हैवी लगना शुरू हो गए। ओए होए, ये तो लग रहा है अभी फिलर लगा के आई है ना। ये मुझे बड़े मजे आते हैं इस तरह के लिप पाउडर। ये लिपस्टिक लगाने की भी टेक्निक्स हैं, आई मेकअप की भी टेक्निक्स हैं। आज मैं कोशिश करके सोच के आया था कि मैं आप लोगों को बहुत सही चीजें। अच्छा, फिर आपने उसके ऊपर पफ भी किया है? उसके ऊपर पफ किया, मैं हमेशा लिप कलर लगाने से पहले पफ जरूर करता हूँ। हाँ, मुझे लगता है कि उससे सेटल रहते हैं लिप कलर। वाओ, होता कि हमने एक ड्राई लिप कलर लिया है। हाँ, और वो हम सिर्फ मिड में लगा लेंगे, बस बस। अच्छा, वो ऐसा क्यों है कि उसमें क्यों लगाएंगे मिड में? वजह जहाँ हमने देखिए हमने क्या चीज की थी, हमने फिलर कहाँ से, हमने फिलर कहाँ से लगाया उसके, जहाँ उसको हमने लाइटर दे दिया। हाँ, तो हमने क्योंकि ऑलरेडी हम बेच बीच में लगा चुके हैं, क्योंकि देखिए हमारे जो फाउंडेशन लगाया उसकी वजह से ये सॉफ्ट रह रही है, और हमने जो कॉर्नर का मरून दिया है वो चीज इसको लिफ्ट कर देगी, तब देखिए ऑटोमेटिकली लिप्स बड़े लगे। ओए होए, ये तो प्रियंका चोपड़ा के लिप्स बन गए। अब हम इनकी ब्लश लगाएंगे। हाँ, अच्छा, इनको हम पीच ब्लश दे सकते हैं। अच्छा, स्माइल लिटिल, ये हम कैसे डिसाइड करेंगे कि हमें पिंक ब्लश लगाना चाहिए या पीच लगाना चाहिए? ये बस इसमें हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, बट देखिए अभी क्योंकि देखिए मैंने लिप थोड़े से फ्लफी बनाए हैं, अब मैं पिंक लगाऊंगा तो सब चीजें पिंक 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 हो जाएंगी। अच्छा अच्छा अच्छा, तो इसलिए आप थोड़ा ब्रेक देने के लिए। हाँ, अच्छा, और हम इसमें ये भी कर सकते हैं कि हम इसको ग्लॉस भी डाल सकते हैं जो लिप्स हैं उसमें। हाँ, लिप्स के अंदर हम ग्लॉस भी डाल सकते हैं। आई हैव अ वेरी क्यूट ग्लॉस, दिस स्मार्ट ग्लॉस। अच्छा, ग्लॉस लगाने से और सॉफ्टर लुक आ जाता है? सिर्फ बीच में लगाएंगे, बस सिर्फ बीच में। अच्छा, और बीच की लाइन हमने बिल्कुल मिटा दी। अच्छा, अगर आपको ज्यादा पाउटी लिप्स बनाने हैं तो ग्लॉस की वजह से बनेंगे या मैट लिपस्टिक की? आप मैट से भी बना सकते हैं, ग्लॉस भी बना सकते हैं, बस सिर्फ टेक्निक ही रखनी। मैंने ग्लॉस इसलिए किया क्योंकि देखिए एक मैट हम लगा चुके हैं। हाँ, तो मैंने कहा कि मैं आपको आप देखिए मैंने जहाँ पर मरून साइड में तो रहने दिया, इधर से बिल्कुल नीचे तक दिया, मतलब आपने यहाँ से खत्म ही कर दिया। तब देखिए साइड रहने दिया है, उसकी वजह से वो लिप्स पे एक शेप आ रहा है। मुझे सिर्फ टेंशन ना एक बात की हो रही है, आप ये सारे लिपस्टिक लगा के जो वकार ने सिखाई है, आपने पूरे शीशे में खड़े होकर 15 मिनट लगा के लिपस्टिक लगाई, फिर आप गए शादी में, खाना खाया,
अब लिपस्टिक छूट गई है तो भाई आप जो एक लिपस्टिक लगाते हैं वो तो आपने पर्स से निकाली लगा लिया, फिर इसके लिए क्या घर जाके दोबारा। लिपस्टिक लगा के एक औरत को खाना खाने का तरीका भी आना कि वो हमारी जो एक्ट्रेसेस थी, मैं सायमा जी की मिसाल दूंगा यहाँ पर, हम उनके लिप कलर लगाते थे और तो शूटिंग के एंड तक हम कहते हैं आप दोबारा लगाई लिप कलर, नहीं मैं तो वही लिप कलर वैसे खाती होंगी आराम आराम से बकरी की तरह।